कंट्री लीडर न्यूज की विशेष प्रस्तुति आस्था यात्रा और मैं हूं हनुमान तिवारी। आज हम पहुंचे हैं सप्तपुरियों में विशेष स्थान वाले अयोध्या धाम में, जो कभी कोसल देश की राजधानी हुआ करता था, जहां भूमंडल के अनेकों इच्छाक पृथु मानधाता हरिश्चंद सगर भगीरथ रघु दिलीप दशरथ जैसे प्रतापी राजाओं ने युगों तक शासन किया, जिनकी यश पताका दिग्दिगंत के साथ त्रैलोक तक फहराती रही। इसी वंश को गौरवान्वित करने के लिए परमात्मा माता कौशल्या के गर्भ को धन्य करते हुए प्रकट हुए और निमित्त था विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। पवित्र सरजू नदी के दक्षिणी तट पर बसा यह धाम रामायण काल के तमाम इतिहासों को समेटे समूचे विश्व के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पौराणिक स्थल पर और दर्शन भी कराएंगे जिन्हें इच्छाक वंश की कुल देवी माना जाता है, जो बड़ी देवकाली के नाम से विख्यात हैं। हम चलते हैं रघुवंश की कुल देवी बड़ी देवकाली मंदिर की तरफ। यह मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। हम पहुंचे हैं बड़ी देवकाली मंदिर, जहां मंदिर के बाहर एक सुंदर सा कुंड बना हुआ है। इस कुंड का निर्माण लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाता है। कुंड के ठीक सामने एक बड़ा सा द्वार है जो काफी पुराना है। यह मंदिर का सिंह द्वार कहा जाता है, जिस पर शेर के चित्र बने हुए हैं, जिसमें प्रवेश कर हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। माँ बड़ी देवकाली का उल्लेख मार्कंडे पुराण के देवी भागवत खंड में भी मिलता है। प्रांगण के भीतर जहाँ पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख माँ देवकाली मंदिर है, मंदिर के गर्भगृह में एक ही शिलाखंड पर महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें माँ देवकाली के नाम से जाना जाता है, जिनके दर्शन पूजन से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ दर्शन पूजन करने वालों की भीड़ 12 मास लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति की स्थापना इच्छाक वंश के प्रतापी राजा रघु ने की थी। यह रघु कुल की कुल देवी के रूप में भी विख्यात हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम को बाल्यावस्था में गोद में लेकर माता कौशल्या भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ कुल देवी का दर्शन कराने आई थी, जिसके प्रमाण के रूप में भगवान श्री राम की बाल अवस्था वाली लेटी प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है, जो मुख्य मंदिर के ठीक सामने ऊंचाई वाले मंदिर में स्थापित है, जहाँ भगवान राम के जीवन लीला के कई चित्रों को प्रस्तर खंभों पर बड़े ही कलात्मक ढंग से उकेर कर दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में गणेश भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता शनिदेव के साथ साथ माता कौशल्या सरजू माता तथा शिवलिंग के कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनका लोग पूजन दर्शन करते हैं। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की खासी भीड़ जमा होती है। हमने मुलाकात मंदिर के पुजारी से की और मंदिर के विषय में जानकारी ली। क्या नाम है महाराज जी? पाठक जी, कुछ संक्षिप्त इतिहास बताइए बड़ी देवकाली का। भगवान श्री राम की देवी जी, माँ बड़ी देवकाली, यहाँ राम जी बैठे हुए हैं और कौशल्या माता हैं और बाल रूप राम जी हैं। माता जी इसी अवस्था में पांगे में लेटी हुई लाई थी दर्शन कराने। जब राम जी हुए थे दशरथ जी ने कहा कि वो हमारी देवी है, वहाँ जाओ राम को दर्शन करा के लेके आओ। जी जी, जो राजा दशरथ जी थे उनके जो दादाजी थे राजा रघु जी, उनकी रीत सलाह चली आई कि उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए तो वहाँ चलाया। जी जी, माता जी की जो स्थापना हुई है आज सिद्धी माता जगत जननी माँ बड़ी देवकाली जी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, तो 3 पिंडियाँ आपको मिलेगी, वैष्णो देवी जी देवकाली और जो पाकिस्तान में माता इंगलाज देवी है वहाँ पे जी जी, और आपको 3 पिंडियाँ आदिशक्ति रूप में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जी जी, ठीक है। और प्रभु इसी अवस्था में आए थे मर्यादा के लिए, भगवान भाई बोले कि आवाज़ आप बड़ी देवकाली राम जी ने
बाल रूप में राम जी है सेवा में विमान जी मतलब ये सूर्य वंश की कुल देवी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली यात्रा में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।